हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है 2023 का, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे टॉप फेवरेट 5 लिप बाम्स। जी हाँ, विंटर सीजन चल रहा है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, मॉइस्चराइजर हो, लिप बाम्स हो या फिर हेयर ऑयल्स हो। तो आज मैं लेकर आई हूँ लिप बाम्स जो मैंने खुद 2 महीने तक ट्राई किए है और जो मुझे अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के एंड अफोर्डेबल है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप कुछ ऐसे हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग या फिर ऑर्गेनिक ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आप देखना चाहते हो और आपने इस वीडियो को देखना चालू किया है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने इसमें 2 ऑर्गेनिक लिप बाम्स भी लिए हैं जो बहुत ही अच्छे है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लिप बाम्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उनको मैं डिवाइड करने वाली हूँ 1 to 5 कैटेगरीज में। तो 5th नंबर से लेकर फर्स्ट नंबर तक कौन सा है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5वें नंबर पर है तो मैंने उसको 5th नंबर ही क्यों दिया है और उसमें कुछ कमियां होंगी इसलिए दिया है, तो ऐसे कुछ नहीं है। जस्ट मुझे बहुत अच्छा कौन सा लगा और ओके कौन सा लगा, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं आपके साथ 5 लिप बाम शेयर करने वाली हूँ, तो एक्चुअली 5 नहीं है, वो 6 है। और ऐसे हुआ था कि एक जो है वो कॉम्बो था, तो वो कॉम्बो मैंने मंगवाया है और सिंगल पीस लेने से अच्छा है कॉम्बो लिया, तो वो मुझे अफोर्डेबल भी लगा, थोड़े से कम प्राइस में मिला, तो मैंने वो ले लिया सबसे पहला वाला। और 5th नंबर पर मैंने जिस लिप बाम को रखा है वो है ये डॉट एंड की का ग्लॉस बॉस करके नाम है इसका, और ये वाटरमेलन फ्लेवर में है, तो ये मैंने मंगवाया था। सबसे पहले तो डॉट एंड की एक बहुत अच्छा ब्रांड है, उनके प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ ही ये जो है ये वीगन प्रोडक्ट है, तो जिन लोगों को वीगन प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं या फिर वो वेगन है तो वो इस तरह के प्रोडक्ट्स कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जस्ट ये वाटरमेलन जो है उसका मैंने कभी ट्राई नहीं किया था ये वाला फ्लेवर, तो ये मैंने मंगवाया है। ये एक बहुत ही सुंदर शेड है, बहुत ही सुंदर पिंक कलर का शेड है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये 5वें नंबर पर क्यों है, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा कैस्ट्रोल वाला स्मेल आता है। ऐसे कुछ लिप बाम्स के जो फ्रूटी फ्लेवर्स होते हैं तो उसके मतलब स्मेल्स जो होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इसका जो है ना ये थोड़ा सा कैस्टर ऑयल की तरफ जाता है। कैस्टर ऑयल की जैसी स्मेल आती है वैसे इसकी स्मेल आती है, तो वही मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। नंबर 4th पर मैंने जिस लिप बाम को रखा है ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का, और ये जो है ये नेचुरल प्रोडक्ट है और आप बोल सकते हो कि बीज वैक्स फ्री और मिनरल ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत ही अच्छे हैं। इसमें मैंने जो फ्लेवर है इसका ये लिली वाला है, जो मैंने मंगवाया था, गलती से मंगवा लिया लिली वाला, क्योंकि ये 4th नंबर पर इसलिए है क्योंकि इसका जो लिली वाला जो फ्लेवर है इसकी जो स्मेल है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। ऑनेस्टली अगर मैं इसमें दूसरा कुछ और मंगवाती, लेमन वाला एक था या फिर मिंट वाला एक था, तो शायद मुझे वो अच्छा लगता, वैसे ये कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही अच्छा लिप बाम है, अगर ये इसकी एक चीज छोड़ दे तो ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है। ऑर्गेनिक है, इसमें जोजोबा ऑयल है, इसके साथ में सनफ्लावर ऑयल है, और सेम चीज जो डॉट एंड की में मुझे लगी वैसे ही इसमें लगी, कि इसमें भी थोड़ी सी कैस्टर ऑयल वाली स्मेल है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसमें जो लिली का जो परफ्यूम है वो बहुत ज्यादा है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये 4th नंबर पर है। अदरवाइज इट इज वेरी गुड लिप बाम, मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ही अच्छा है। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे फ्लावर्स वाले स्मेल पसंद हो तो आप जरूर ट्राई करके देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अफोर्डेबल भी है। या फिर इसमें और भी डिफरेंट फ्लेवर्स है, मिंट वाला एक है, लेमन वाला एक है, ऐसे 2 मुझे पता है, तो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, ओवरऑल अ वेरी गुड ऑप्शन। और जो 3rd नंबर पर मैंने रखा है ये है निविया का स्ट्रॉबेरी शाइन लिप बाम। जी हाँ, कुछ इस तरीके का उनका पैकेजिंग है, इसके ऊपर प्लास्टिक भी था वो निकल गया है, और ये 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन देता है ऐसा इन्होंने क्लेम किया है। जो केस पहले वाली मैंने बताई, जो 4th और 5th नंबर पर मैंने जो रखा है उसकी जो स्मेल की प्रॉब्लम थी ये इसमें मुझे नहीं लगी, बहुत ही सुंदर स्ट्रॉबेरी वाली स्मेल है इसकी, और ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है, अफोर्डेबल प्राइसेस में है, तो जिनको स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर पसंद है वो इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। एंड अगेन ऑर्गेनिक हार्वेस्ट और डॉट एंड की का जैसा था कि मिनरल ऑयल फ्री थे, तो ये वाला भी मिनरल ऑयल फ्री है, तो आप इसे जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर 3 भी लिप बाम
प्लम्स के जो प्राइजेस है वो बताना भूल गई हूँ, तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और उसके जो प्राइजेस है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और यहाँ पर ये सारे जो लिप बाम्स है ना ये मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं और विंटर वाली सेल जो चलती है उसी में मैंने इसको मंगवाया है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इसके प्राइजेस अंडर 200 ही है। तो इसके जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मेंशन कर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो वहां पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। तो सेकेंड नंबर पर जो मैंने लिप बाम्स को चूज किया है वो है ये लैक्मे के लिप लव इन द शेड चेरी। और इसकी खास बात ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इसका कॉम्बो मंगवाया है और वो मुझे सिंगल से भी बहुत ही सस्ते में मुझे मिला है, तो ये है चेरी और ये जो दूसरा वाला जो है कैरामेल, इन दोनों का जो कॉम्बो था ये मैंने मंगवाया है। पहले वैसे तो मैंने कैरामेल वाले कभी लिप बाम्स ट्राई नहीं किए हैं, मैंने एक तो चेरी वाले किए हैं या फिर पिंक फ्लेवर में जो भी होते हैं, पिंक शेड में जो होते हैं वो वाले मैंने ट्राई किए हैं, तो चेरी या फिर स्ट्रॉबेरी ऐसे ही ट्राई किए थे। तो ये वाला मुझे ट्राई करना था तो इसके लिए मैंने ये वाला कॉम्बो लिया है। बहुत ही सस्ता है, आई थिंक 175 और समथिंग ऐसे कुछ मुझे मिला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छे लिप बाम्स है, जिनको ज्यादा टाइम तक मॉइस्चराइजेशन चाहिए आप इसको जरूर खरीद सकते हैं और सस्ता भी है। और इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया है कि 22 आवर्स मॉइस्चराइजेशन देता है, इसके साथ में इसमें SPF 15 भी है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन टिंट अच्छा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। एंड फर्स्ट नंबर पर है मेरा सबसे फेवरेट वाला, बहुत ही अच्छा, मुझे आफ्टर सो लॉन्ग इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला है, ये है शुगर का। यस, इसका जो पैकेजिंग है ये इतना सुंदर लगा मुझे, इतना सुंदर लगा कि बस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन सिर्फ पैकेजिंग नहीं अच्छा होना चाहिए, उसमें जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए, राइट। तो जिनको ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है और विंटर सीजन में ऐसे होंठ फट जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बेस्ट लिप बाम। अगर मेबलिन का भी मैंने रेकमेंड किया है आपको पहले प्रीवियस वाले वीडियोस में, उसके साथ में जैसे मैंने लैक्मे का किया है या फिर ये और किए है, लेकिन अगर और भी आपको मॉइस्चराइजेशन चाहिए और बहुत ही सुंदर सा लिप बाम चाहिए तो ये वाला आप जरूर ट्राई करके देखिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ये सारे लिप बाम्स पहले ट्राई किए हैं, उसके बाद में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये। एटलीस्ट मैंने इसको 2 महीने पहले ही परचेस कर लिया था, उसके बाद में मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सबसे ज्यादा अगर यूज किया होगा ना तो ये लैक्मे वाले है और ये फिर शुगर वाला है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसका जो शेड है वो कुछ 04 नंबर का है। यस, 04 नंबर का है और इसको मैंने बहुत यूज किया है, बहुत अच्छा है, बहुत सारा मैंने खत्म भी कर लिया है। और अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आप इन सारे लिप बाम्स को जरूर ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली शुगर में मैं ये बात कहूंगी कि जिनको नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या फिर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ये अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो फिर आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो लोगों को ऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं या फिर वो प्रेफर करते हैं कि नहीं यार मुझे केमिकल वाला नहीं चाहिए, कुछ ऑर्गेनिक चाहिए, तो इसमें जो मैंने 2 मेंशन किए हैं डॉटन की वाला और ऑर्गेनिक हार्वेस्ट वाला, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आपको इन 5 में से या फिर 6 लिप बाम्स में से कौन सा अच्छा लगा ये आप मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। इसके साथ में अगर आपको दूसरे लिप बाम्स और पता होंगे तो वो मेरे साथ आप शेयर कीजिए, मैं भी उनको ट्राई करके देखूंगी। इसके साथ में इन सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मेंशन कर दूंगी, अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक कर परचेस कर सकते हैं। और लास्ट ईयर में मैंने एब्सोल्युटली कुछ भी अपलोड नहीं किया था या फिर आप लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं किया था, क्योंकि कुछ टाइमिंग्स की वजह से और बहुत सारे काम होने की वजह से मैं आपके साथ वीडियोस भी शेयर नहीं कर पाई। लेकिन इस साल मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ, इस साल मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके रखिए, ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी। तो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।